जगदलपुर में नगर निगम के सभापति कविता साहू के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, किंतु सोमवार को कोरम पूरा नहीं होने पर खारिज हो गई। दरअसल कांग्रेसी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने निगम कार्यालय पहुंचे ही नहीं, इस वजह प्रस्ताव की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा पाई। सभी कांग्रेसी पार्षद इस दौरान राजीव भवन में बैठक कर रहे थे। वहीं सुबह 11:15 तक कलेक्टर ने कांग्रेसी पार्षदों की उपस्थिति का इंतजार किया, इस बाद उन्हें अनुपस्थित मानते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बाद निगम कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कांग्रेसी शहर के बजट में भी शामिल नहीं हुए, यह शहर की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा यह निगम के इतिहास का काला दिन है, कांग्रेसी अब पलायन के आदि हो चुके हैं। महापौर के बाद अब उन्होंने सभापति के अविश्वास प्रस्ताव में भी पलायन को ही चुना। इधर कांग्रेस भवन में अविश्वास प्रस्ताव के पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे और रेखचंद जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपनी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं हुए। देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से दुम दबाकर भाग खड़े हुए, उससे नगर विकास पूरी तरह से चरमरा गया। आश्चर्य रूप से जो बजट जो पूरे सामान्य सभा में सबसे आवश्यक होता है बजट, जिससे नगर निगम का विकास या नगरीय क्षेत्र का विकास का ताना बाना बुना जाता है, उस बजट को खुद आहूत करने के बाद, क्योंकि उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव का तिथि तय हो गई, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नगर विकास को दरकिनार करके पूरे कांग्रेसी प्रदेश संगठन से लेकर स्थानीय संगठन तक कांग्रेसी पार्षदों को भगाने वहां से पलायन करने की सलाह देता रहा, और उसमें वो कामयाब भी हुए। वस्तुतः कांग्रेस के जितने पार्षद हैं वो अपनी महापौर अपने ही अध्यक्ष के तानाशाही पूर्व रवैये से परेशान थे, हमारे संपर्क में थे, उनके कहने पर ही हम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, क्योंकि सबको मालूम है हमारे पास बहुमत नहीं है, उनके साथ मिलकर बहुमत होता है। परंतु कांग्रेस संगठन ने अंतिम समय में, हमारे साथ 15 लोग जुड़े रहे थे अंतिम समय तक, पैसे का प्रलोभन देकर दबाव की राजनीति करके संगठन का दबाव का राजनीति किया और ऐसे कांग्रेसों को कांग्रेस भवन में बुला लिया। हमारा सिर्फ इनसे ये पूछना है, जिस अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जो दलगत राजनीति के कारण पूरे शहर में जानी जाती है, जो अपने आलीशान बंगलों, आलीशान कार और चमचमाती साड़ियों के कारण जानी जाती है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार, उसको बचाने की बजाय कांग्रेस ने उसे भगाने की बजाय, उसे हटाने की बजाय कांग्रेस ने उसे बचाना उचित क्यों समझा, और जबकि उस दिन वास्तव में बजट सत्र था।